प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। यह प्रतिद्वंदिता चुनावों के दौरान तीखे हमलों में तब्दील हो जाती है, लेकिन जनता इसे सामान्य रूप से ही लेती है, क्योंकि यह अपेक्षित ही है कि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर हमले करेंगे ही। लेकिन चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है जब राजनीतिक हमले शालीनता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, वह राजनीति में शिष्टाचार खत्म होने का संकेत तो है ही, साथ ही इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि कांग्रेस को मोदी को लगातार तीसरी बार मिला सरकार चलाने का जनादेश नहीं भाया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कांग्रेस अब तक नहीं भूली है। 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर बालक बुद्धि वाला कमेंट करके हलचल मचा दी थी। बुरी तरह बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने अब इस कमेंट पर बेहुदा जवाब दिया है। बालक बुद्धि कमेंट के जवाब में बेल बुद्धि टर्म लाते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने एक कटाक्ष भरा वीडियो शेयर किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है, आप जानते हैं बेल बुद्धि कौन है। इस वीडियो में बिना नाम लिए लिखा गया है, जो लंबी लंबी फेंकता हो, जो नाले में पाइप लगाकर, इसके बाद चाय की केतली के लिए एक शख्स की फोटो दिखाई गई, फोटोजेनिक मेमोरी की बात करता है, जो बेसिर पैर की बात करता हो। इस वीडियो के आखिर में पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई गई है। अब इस पर कांग्रेस की ही पुरानी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक ट्वीट में बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने लिखा, कांग्रेस की गाली वाली बेल बुद्धि मैडम व उनकी सोशल मीडिया टीम ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बेहद ही घटिया व निम्न स्तरीय अभियान चलाया है। यह कांग्रेस की नीचता और विचार शून्यता का घिनौना प्रदर्शन है। जब उनके पास विकास व राष्ट्रहित के मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वे इस तरह की घटिया हरकतों पर उतर आते हैं। यह घटिया अभियान कांग्रेस की हताशा, राजनीतिक दिवालियापन व उनकी गिरी हुई मानसिकता को पूरी तरह से उजागर करता है। कांग्रेस अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों से जनता की नजरों में और भी अधिक गिर रही है। कांग्रेस को समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नेता नहीं होता, बल्कि वह समस्त भारतीयों का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति दुनिया में भारत का चेहरा होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से भले कितने भी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमले करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के संवैधानिक पद का कोई अपमान नहीं हो जाए। लेकिन खेद की बात यह है कि देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद पर लगातार अपमान करने में लगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।